नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर, मैं हूं आदेश पुरी। आज 21 जून है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की, वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के नेशनल एडिशन से। इसमें दिया है कि कोरोना से मौत पर नहीं दे सकते 4 लाख मुआवजा। आपको बताएं कि केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा, महामारी के कारण केंद्र और राज्यों की वित्तीय हालत ठीक नहीं। देश में अब तक कोरोना संक्रमण से हो चुकी है 3,85,000 ज़्यादा लोगों की मौत। आपको बताएं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 4 लाख रुपए मुआवजा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और इतना वित्तीय बोझ उठाना मुमकिन भी नहीं है। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। इसमें दिया है कि दिल्ली उत्तर प्रदेश बढ़े अनलॉक की ओर, आज से खुलेंगे मॉल, पार्क और रेस्तरा, कई और रियायतें भी दी जाएंगी। हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में खत्म की और बंदी से। तो आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण का खतरा जैसे जैसे कम हो रहा है, ज़्यादातर राज्य पूर्ण अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। सोमवार को राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पार्क और मॉल आदि खुल जाएंगे। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के नेशनल एडिशन से, जिसमें दिया है कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन की तैयारी, आयोग सक्रिय, इस बारे में जल्द ही जिला उपायुक्तों के साथ बैठक होगी। परिसीमन के बाद राज्य में बढ़ जाएंगी 3 विधानसभा क्षेत्र। आपको बताएं कि प्रधानमंत्री द्वारा 24 जून को जम्मू कश्मीर के विभिन्न राजनीतिक दलों की बुलाई गई बैठक की खबर के बाद राज्य में परिसीमन का कार्य तेज हो गया है। जम्मू कश्मीर का परिसीमन आयोग सभी 20 जिला उपायुक्तों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी का संज्ञान लेने के बाद उनके साथ जल्द बैठक करने जा रही है। तो वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण से, जिसमें दिया है कि आज से टीकाकरण का महाअभियान। आपको बताएं कि 18 पार के सभी लोगों को निःशुल्क लगाई जाएगी कोरोना रोधी वैक्सीन। वही 75% वैक्सीन खरीदकर राज्यों को मुफ्त में उपलब्ध कराएगी केंद्र सरकार। राज्यों को वैक्सीन पर एक पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। केंद्र सरकार उनके कोटे की 25% वैक्सीन भी खरीदेगी। निजी क्षेत्र में के अस्पतालों का 25% वैक्सीन का कोटा बरकरार रहेगा और प्रति डोज ₹150 सर्विस चार्ज लेंगे। तो आज से टीकाकरण का महाअभियान शुरू हो रहा है, आज योगा दिवस भी है। वही अगली खबर हमने दैनिक जागरण के नेशनल एडिशन से ही लिया है। इसमें दिया है कि पेट्रोलियम PSU में 100% FDI पर विचार, विनिवेश की सैद्धांतिक मंजूरी वाले PSU के लिए मसौदा तैयार, अंतर मंत्रालयी विमर्श के बाद ली जाएगी मंत्रिमंडल की स्वीकृति। आपको बताएं कि केंद्र पेट्रोलियम सेक्टर के सार्वजनिक उपक्रमों में 100% FDI यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने पर विचार चल रहा है। वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय ने ऐसे उपक्रमों में ऑटोमेटिक रूट से 100% FDI की अनुमति के प्रस्ताव पर अंतर मंत्रालयी विचार विमर्श के लिए कैबिनेट नोट का मसौदा तैयार कर लिया है। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण से, अल्पसंख्यकों के लिए आज से शुरू होगा जान है तो जहान है अभियान। बताएं केंद्रीय मंत्री नकवी रामपुर से करेंगे शुरुआत, कोरोना वैक्सीन को लेकर फैले भ्रम को किया जाएगा दूर। अल्पसंख्यकों के टीकाकरण को लेकर व्याप्त भ्रम को दूर करने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने जान है तो जहान है अभियान चलाने का फैसला किया है। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी सोमवार को जिले में इसकी शुभारम्भ करेंगे। वही अगली खबर जनसत्ता से, केंद्रीय कर्मियों को मिलेगा महंगाई भत्ता। केंद्र में 48 लाख से ज़्यादा कर्मियों और 60 लाख सेवानिवृत्त लोगों को 18 माह से बंद किए गए DA यानी कि महंगाई भत्ता और DR महंगाई राहत राशि मिलने जा रही है। इस बाबत वित्त मंत्रालय ने अंतिम निर्णय कर लिया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का प्रतिनिधि समूह नेशनल काउंसिल ऑफ JCM 26 जून को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग एवं वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक करेगा। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से। इसमें दिया है कि राज्य में अनलॉक 3 पर आज होगा फैसला, अब मंत्री अफसरों से विचार विमर्श के बाद मुख्यमंत्री लेंगे अंतिम निर्णय। राज्य में अभी अनलॉक 2 लागू है जो 22 जून तक चलेगा। आपको बताएं कि अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से। इसमें दिया है कि पटना में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, राज्य में गंडक नदी लाल निशान के पार हो गई है, कोसी, कमला बलान, सोन और बागमती में भी उफान है। तो लगातार 48 घंटे से हो रही बारिश के बाद इसका असर बिहार की नदियों पर दिखाई देने लगा है। वहीं पूर्वी चंपारण के गांव में बूढ़ी गंडक का पानी फैल चुका है। अगली खबर भी हिंदुस्तान से, बिहार में संक्रमण दर 0.3% से नीचे आया। आपको बताएं कि एक दिन में संक्रमितों की संख्या 55 घटी है, मिले 294 नए केस। बक्सर, कैमूर और पश्चिम चंपारण में कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला।
सबसे अधिक पटना में 48 केस और सहरसा में 29 केस मिले हैं। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से इसमें दिया हुआ है कि प्रभात खबर से इसमें दिया है कि अभी 3 दिन और बारिश होगी, मानसून जो है खतरे के निशान से ऊपर, गंडक और कोसी नदी हो चुका है। आपको बताएं हम कि प्रदेश में मानसून की अति सक्रियता जारी है, विभिन्न चक्रवाती सिस्टम से बिहार कम दबाव का केंद्र बना हुआ है, लिहाजा बादल उमड़ घुमड़ कर बरस रहा है और 3 दिन तक और बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से, इसमें दिया है कि सीएम आज बिहार सदन समेत 169 भवनों का करेंगे उद्घाटन, 73 भवनों का करेंगे शिलान्यास। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा वर्चुअल माध्यम से होने वाले कार्यक्रम में सोमवार को करीब 12:30 बजे 21 विभागों के 169 भवनों का उद्घाटन करेंगे। इसकी लागत 14,011 करोड़ रुपये है। इनमें नई दिल्ली में करीब 78 करोड़ रुपये में बना बिहार सदन और पटना में नया सर्किट हाउस शामिल है। वही अगली खबर भी हमने लिया है प्रभात खबर से, इसमें दिया हुआ है कि अमेरिका में तेजी से फैल रहा डेल्टा वेरिएंट, ब्रिटेन में तीसरी लहर शुरू, वायरस के नए स्ट्रेन से फिर लौटने लगी महामारी, न्यूयॉर्क में कोरोना के 6.77% मामलों में डेल्टा वेरिएंट का पता चला है। तो ये थी आज देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे पेज न्यूज़ बिहार को फॉलो करें। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल न्यूज़ बिहार को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।